अब हमारे पास तो आईसी नहीं है, ऐसे में तो हम सारे सेट वापस करते जाएंगे क्योंकि ये तो D8 है, ऐसे तो बहुत सारी लाइट आईसी है जो आपके पास नहीं होंगी। हमारे पास सलूशन है, हम इसको मॉडिफाई करेंगे। मैं देवेंद्र अग्रवाल एसर टेलीकॉम से, सेकेंड डे है हमारा। सेकेंड डे कैसा जा रहा है जल्दी बताओ, बहुत अच्छा जा रहा है। कौन कौन सीपीयू रिवॉल्व करके बैठा है अभी? पक्का कॉम्पिटेंट? ऐसा तो नहीं है कि ऊपर जा रहे हैं, समझ में आ रहे हैं? पूरा प्रैक्टिकल अटेंड हो रहा है? I have मेरे पास एक मोबाइल है, एक शॉपकीपर का ले लो। अब नॉर्मल है, लाइट सेक्शन का फॉल्ट था। इसके अंदर जो लाइट आईसी लगी है वो HDSCL एक बड़ी डिजिटल लाइट आईसी है। लाइट आईसी दो प्रकार की होती है, मैं आपको बताना चाहूँगा। तो एक होती है डिजिटल और एक होती है एनालॉग। इसके अंदर जो लाइट आईसी है वो डिजिटल आईसी है, और इस आईसी को वो टेक्नीशियन छोटा मोटा दुकान वाला है वो यूट्यूब देख के काम करता है। तो 98% टेक्नीशियंस क्या करते हैं कि किसी भी जगह से पढ़ के भी चले जाते हैं तो टीचर उनको गाइड नहीं कर पाता है क्योंकि टीचर को बोलता है जाओ आग लगाओ, पर टीचर कैसे आप वो उतना आग कैसे लगा लेंगे जब तक उनको डे बाई डे का सपोर्ट या गाइडेंस नहीं मिलेगा। हमें करना क्या है वो आग लगाने का तरीका भी वो हमें ही बताना पड़ेगा। बट विद ड्यू रिस्पेक्ट नहीं बताते टीचर वो, तो भाई जाने के बाद में फ़ोन पर भी बात नहीं होती, इनकेस लोगों के बाद तो उनके नंबर भी नहीं होते तो कहाँ से बताएंगे, नहीं बताएंगे। ऐसे ही एक टेक्नीशियन है किसी और इंस्टीट्यूट का पढ़ा हुआ बंदा, बंदे के बाद में लाइट आया और लाइट में उसने अक्सर हमारे साथ भी ये होता है उनके साथ भी होता है, लाइट आईसी बंदे के पास नहीं है। अब वो कह रहा है कि सर क्योंकि आप हो तो आपके तो बहुत सारे बोर्ड होंगे आप लगा के दे दो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बंदे ने इस सेट को दूसरे जगह इसे रेफर किया, वो ये कह रहा है मेरे पास पर्टिकुलर लाइट आईसी नहीं है, D8 इसमें D8 लगी है, LK इसको हम LK बोलते हैं, और LK और D8 दोनों ये 3697 आई गेस, तो ये आईसी लगी है और ये आईसी नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ क्यों, अगर आप इसको प्रॉपरली सीखते जैसे ये सीखेंगे, अगर आप इसको समझते तो मे बी इसमें D8 लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप डिजिटल को कन्वर्ट करके एनालॉग लगा सकते हैं। हेलो yes, तो हम इसमें आज यही करने वाले हैं, हम आपको लाइव आप इस क्लास में हम इस सेट के अंदर जो इसका लाइट आई सेक्शन है पहले पूरा एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पर कैसे कैसे काम करता है, फिर हम इस आईसी की जगह पर एक बिल्कुल हल्के मोबाइल की आईसी लगाएंगे एनालॉग। Yes, मतलब इसकी आईसी लगाएंगे नहीं, हम किसी और मॉडल की आईसी लगाएंगे, बाईपास करेंगे, क्या करेंगे bypass, yeah. और हमारा ना डायोड गर्म होना चाहिए, ना कॉइल गर्म होना चाहिए, ना ऑटो रीडिंग आनी चाहिए, और हमारा लाइट बहुत बढ़िया तरीके से चलना चाहिए, ना लिप करना चाहिए, ना कम ब्राइटनेस होना चाहिए, और हमारे पास ब्राइटनेस का भी एक अच्छा तरीका है तो वो भी है। सो ये चीज आप इस वीडियो में देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इसकी कंडीशन क्या है, आओ दिखाएं। तो देखो उसके बाद मैंने कॉल लगाया, कहाँ के लिए किया? दिल्ली के लिए। अच्छा अच्छा, टिकट भी मुझे 20 तारीख की मेरी टिकट, और सर से सिर्फ 10 मिनट बात हुई और 11 मिनट मैंने टिकट कैंसिल कर दी क्योंकि 150 रुपए माइनस भी है उसका। अब मुझे बता अभी रिग्रेट तो नहीं महसूस हो रहा है कि दिल्ली नहीं गया? कुछ भी नहीं सर, जबकि तुम्हारे दिल्ली के दो स्टूडेंट यहाँ बैठे हुए हैं जो ऑलरेडी आए हैं। तो पछतावा हो रहा है कि वहां जाता तो फ्री में बैठ चला था। ठीक है बैठ जाओ, शायद वो नॉलेज भी नहीं मिल पाता। हमारा वोल्टेज है ये एम्पियर है। अब ये चालू होगा तो कैसा पता चलेगा? जब ये 100 आएगा तो ये समझ लो कि पावर ओके है, और जब यहाँ पे 200 आएगा कितना आएगा? 200 आएगा तो ये समझ लेना ये MMC में चला गया है। किधर चला गया है? मतलब यहाँ CPU ओके है, बोलो CPU ओके है। अब 200 के ऊपर गया अगर 300, 400, 500 मिली एम्पियर तो समझ लेना फोन पूरी तरीके से ओके है, फ्लक्चुएट करना चाहिए। देखेंगे मैं आपको और स्टेप टू स्टेप और डीप लेवल में बताऊंगा, अभी तो मैं छोटा ही सही बता रहा हूँ। तो इसमें लगेगा 6, ये नई वाली है क्यों, ये मिल गया डन। तो इसमें प्यारे एक टेप लगा दो यार, ये मिलता नहीं है यार इतने दुनियादारी, ये हमने लगाई। अब हम पावर की दबाएंगे तो देखो 100 बदला पावर ओके। अच्छा मे बी हो गया तो 200 मतलब CPU, और देखो 200 के ऊपर मतलब फोन ऑन हो रहा है हमारा। हेलो पर क्या देखो डिस्प्ले आ रहा है, बताओ
मतलब हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर डिस्प्ले लाइट नहीं है, बट ये तो सीधा सीधा है, हमें डिस्प्ले करेक्टर के जीआर चेक करते, हम अपना ग्राफिक्स के वोल्टेज चेक करते, बूट सिक्वेंस चेक करते। देखो डिस्प्ले आईसी का खेला ये है, डिस्प्ले करेक्टर का एक बूट सिक्वेंस होता है कि पहले लाइट आएगा, कि पहले आपका डिस्प्ले आएगा 1.8 के बाद कौन सा वोल्टेज आएगा, सी ए बी, तो ये सब सीखेंगे हम, और ये सब हम आपको बाद में फिर कभी बताएंगे। तो अभी हम इस सेट के अंदर, हमारा तो ये है कि ये टेक्नीशियन भाई से है और ये इसका लाइट आईसी है जो निकला हुआ है, और ये 12 बोल का लाइट आईसी है। अब इसके अंदर ना कॉइल खराब है, क्योंकि अगर मान लो टेक्नीशियन के पास आईसी अगर होती भी और वो लगा रहा है, और तो फिर हम समझ लेते कि आईसी नहीं लगाने पर चालू ना हो, तो हम कॉइल बदलते, हम ये डायोड बदलते, या हम ये 50 वोल्ट का कैपेसिटर, या तो फिर अब हम अंदर ट्रैक चेक करते, एक एक ट्रैक का जीआर देखते और फिर वोल्टेज और इनेबल, दो इनेबल आते हैं, एक सीपीयू से और एक डिस्प्ले से, सीएबीसी दैट मीन कंटेंट एडेप्टिव ब्राइटनेस कंट्रोल, पीडब्ल्यूएम पल्स विड्थ मॉड्यूल, और ईएन दैट मीन इनेबल सिग्नल फ्रॉम कम फ्रॉम सीपीयू। तो ये सारी चीजें हम समझेंगे। सो दीज आर वर्किंग विथ जब पर्टिकुलर आईसी है, अब हमारे पास तो आईसी नहीं है, ऐसे में तो हम सारे सेट वापस करते जाएंगे, क्योंकि ये तो D8 है, ऐसे तो बहुत सारी लाइट आईसी है जो आपके पास नहीं होंगी। हमारे पास सलूशन है, हम इसको मॉडिफाई करेंगे, हम इसकी जगह पर 5A की आईसी लगाएंगे, एक बहुत ही कॉमन सेट की आईसी। ये देखो 5A के अंदर ये 6 लाख की आईसी होती है, कितने लाख की आईसी होती है, 6 लाख की। ये एनालॉग आईसी है, और जो 8A में नोट 8 में लगी है वो डिजिटल आईसी है। सो वी आर कन्वर्टिंग एनालॉग टू डिजिटल। हेलो, एनालॉग को किस में कन्वर्ट करेंगे, डिजिटल में। तो हमने एक आईसी ऑलरेडी निकाल के रखी हुई है ये, तो अब आप देखो इसके अंदर टोटल 12 बोल है, कितनी बोल है, 3, 3, 6, 3, 9, 12। और जबकि इसके अंदर अगर हम देखें, इसके अंदर, हाँ तुमने जंपर के लिए बहुत अच्छा चीज दे दी, टोटल कितने लैग हैं, 6। तो हमें 12 को 6 में बदलना है, और 6 में भी हम पूरे यूज नहीं करेंगे, केवल 5 यूज करेंगे। हेलो, 6 में कितने यूज करेंगे, 5। मतलब हम जब ये आईसी को हम लगाकर, और हमें देखना है ब्राइटनेस बढ़िया आनी चाहिए, लिप लिप नहीं करना चाहिए और गर्म नहीं होना चाहिए, सो सब कुछ है। अगर हमने ऐसा कर लिया तो हमारी बहुत बड़ी समस्या खत्म हो जाएंगी, और बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं देंगे, मतलब मुश्किल से जंपर मारने में जो स्किल है भाई, अब मेरी जो स्किल है, मैं यहाँ पर जो जंपर मार रहा हूँ, क्योंकि मैं जनरली यूज करता हूँ, मेरे पास आयरन है जेबीसी का, विच हैविंग अ वर्ट मोड 22,000, जो मेरा सिर्फ सोल्डिंग आयरन है, तो वो मेरा क्विक देता है, मेरी आदत उससे है, मेरी इनसे आदत नहीं है, सो मे बी आई टेक सम टाइम विद जंपरिंग विद दिस आयरन, सो ओके दिस ओके फॉर मी ओके। कि अगर जो टेक्नीशियन वो आईसी को, तो वो कह रहा है कि सर मैं तो यूट्यूब देख के 2-4 जंपर मार रहा हूँ बस खाली, और डिस्प्ले का काम कर रहा हूँ, अब ये आईसी को रिवॉल्व करके सोचा कि हो जाएगा, तो आईसी ही उसकी निपट गई है, घूम गई है, और हो जाता है, इतनी छोटी आईसी तो अच्छे अच्छे से घूम जाता है। तो यहाँ पर ये आईसी इधर है, इस आईसी का नंबर हमें बोर्नियो भी दे देगा, तो बोर्नियो ने इस आईसी का नंबर हमें बताया है LM3697। तो अब हमें ये आईसी, अब हमें आईसी को दूसरे मॉडल से उठाने के लिए एक यहाँ पर पार्ट फाइंडर का यहाँ पर बटन है, तो यहाँ पार्ट फाइंडर जहाँ पर मैग्नीफायर बना है, तो ये, और यहाँ पर अब हम इस आईसी का नंबर डालेंगे, तो अब हमें ये पता चलेगा कि ये आईसी किन किन मॉडल से निकाल सकते हैं हम लोग। हेलो, कि सेम आईसी किस मॉडल में लगी है, एंटर मारेंगे तो ये इतने सारे सेटों में लगी है, तो आप देखो तो कितने ओप्पो के हैं, कितने हैं, ये बहुत रनिंग आईसी है मेरे भाई, LG, Xiaomi बहुत सारे सेटों में लगी है। अब आपके पर्टिकुलर जो सेट है आप निकाल के लगा लो, तो ये तो बिल्कुल एकदम बेबी वर्क हो जाएगा, निकाला लगाया बेबी वर्क, ठीक है, बट अपन को करना मास्टर वर्क। कि अगर हमें नई आईसी नहीं है और हमें लगाना है, तो क्या हम इसको चेंज करके एक सिंगल 5A की आईसी लगा दें एनालॉग, क्योंकि ये एनालॉग क्यों है और डिजिटल क्यों है, इन आईसीओ के अंदर सीएल डाटा की लाइनें हैं, जिनके अंदर एचडीएस सेल होता है वो डिजिटल सप्लाइयां होती हैं, और इन आईसीओ के अंदर डिजिटल डाटा नहीं है, वो एनालॉग सर्किट में है। सो अब इसका सर्किट समझते हैं, देखो तो अगर हम इसको खोलेंगे और यहां से हम Redmi Note 8 के सर्किट में जाते हैं, ये तो बहुत बड़ा काम हो गया।
अब ये Redmi Note 8 का सर्किट है, हमें सर्किट को इसलिए समझना है कि हम पहले आईसी को समझ लें, क्योंकि आपको तो पूरा सर्किट एक्सप्लेन हो गई और आपने प्रैक्टिकल करना है खुद, क्योंकि एसर टेलीकॉम प्रैक्टिकल के साथ चलता है। ये आपकी LM3697 का सर्किट है। अब अगर मैं इस सर्किट को एक्सप्लेन करूं और आपको यहां पर सर्किट को बनाऊं, तो मैं बनाना भी चाहूंगा। तो इस सर्किट में टोटल 12 बॉल है, नोज कट पॉइंट हम यहां रखेंगे। ये कैसे बना ये कल सिखाना है हमें। अब हमें सर्किट को डाल बनाते जाएंगे। तो सबसे पहले हमें सर्किट के अंदर इनपुट डालेंगे जो कि B3 और D3 है। D3 स्विचिंग है, तो B3 के अंदर इन है और D3 के अंदर स्विचिंग है, मतलब इसके बीच में वो 10 माइक्रोहेनरी का कॉइल लगा हुआ है, 10 और UH, तो UH और ये आ रही है सप्लाई VPH 4 वोल्टेज, एक कैपेसिटर यहाँ है, ठीक है। अब तो यहां का इसका मतलब ये भी 4 और ये भी 4। अब देखो ये जो सर्किट मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके वीडियो के लिए है, बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि इनको तो बहुत डिटेलिंग में ये सर्किट, इनसे कल सुबेरे लाइट पावर यहाँ कौन कौन लगा के बैठे, फिर से बोलो सर, कॉन्फिडेंस नेशनल लेवल का है। ऐसा तो नहीं कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा सर, मैंने तो अभी कॉन्फिडेंस टीचर का है आपके अंदर। हेलो, भी बनवाएंगे, चेक भी होगा एंड ऑल दिस थिंग। सो अब स्विचिंग के बाद अब हमें चाहिए इसमें ग्राउंड, तो इसमें ग्राउंड है C2 C3 ग्राउंड डालेंगे। इन हो गया, अब ग्राउंड डालेंगे, तो C2 ये हो गया। अब ये क्यों कर रहे हैं, ये रीजन इसलिए है क्योंकि अगर हम बोर्नियो पर जाते भी, तो बोर्नियो पर जाना इज नॉट बैड भाई, बोर्नियो दे रहा है सब, पर बोर्नियो को भगवान मान लेना कि सब बोर्नियो में है और इंस्टीट्यूट नहीं जाना, उन लोगों को देखो भाई, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि इसकी लाइट सेक्शन में जाकर इसके अंदर जाओगे तो भी आप देखो कि बहुत सारे पैड इसमें खाली हैं, तो इन पैडों का काम आपको जीवन में समझ में नहीं आएगा। जब तो मैंने बोला अगर 35 पैड है तो 35 पैडों को जानो। बोलो 35 पैड है तो, क्योंकि 35 से ही अगर रिपेयर नहीं हुआ तो सेट वापस चला जाएगा। हेलो, और मैंने सब कर लिया तो ये बहुत एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। हेलो, सब नहीं किया है, 35 पैड है, 4 पैड चेक किए ऊपरी ऊपर और आईसी बदली है। सो 35 पैड को 35 में जानो, तो ये आपका सर्किट है डन। तो अब हम जाएंगे, अब इसके अंदर A2 B2 CL डाटा है हमारा, तो A2 और B2 में CL डाटा डालेंगे। सो ये A2, तो A2 है SDA और ये सप्लाई, दोनों सप्लाई हमारे CPU से आएंगी, ठीक है। इस पर हमें 1.8 भी चेक करना है, प्लस GR। अब क्या GR है ये तो आपको यहाँ आने के बाद ही पता चलेगा मेरे भाई, ठीक है डन। अब इसके बाद हमें हार्डवेयर, ये हमारा EN सिग्नल है, सो A3 इज कम फ्रॉम CPU, सो A3 ये है, सो ये EN है और इधर 1.8 आएगा जो कि CPU ही देने वाला है एक्टिव मोड में, जब हमारा हम पावर की दबाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में PW लाइन है, पल्स विड मॉड्यूल A1, ये हमारा डिस्प्ले करेक्टर से आएगा, ये हमारी डिस्प्ले करेक्टर की लाइन है और ये डिस्प्ले के लगने के बाद आएगा जो कि एक 1.8 वोल्टेज देगा इधर, इसको हम CABC भी बोलते हैं, कॉन्टेंट एडिटिव ब्राइटनेस कंट्रोल। ये नहीं आया तो लाइट ही नहीं आएगा, ये तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, और ब्राइटनेस के लिए भी यही। अब अगला, फिर हमको चाहिए 2 LED, ये कैथोड की लाइन है B1 एंड C1, तो B1 और C1 पे हम 2 कैथोड की लाइन डालेंगे, तो ये हमारा हो गया K1 और ये K2 और ये वाला लाइन भी आपका कनेक्टर पे जाएगा, तो ये हो जाएगा LED K1 और LED K2, क्योंकि 2 पैरेलल में लाइन लगी है, आधी LED K1 से कनेक्टेड है, आधी LED K2 से कनेक्टेड है और बाकी सारा एनोड से कनेक्टेड है,
ठीक है। अब बचा क्या, अब एक D1 को NC बोलो, तो D1 NC मानेंगे, सो D1 इज योर NC पॉइंट। अब हमारा बच्चा है OVP, दैट मीन ये आउटपुट है आपका जो डायोड के माइनस पे जाएगा, तो यहां से आपका आउटपुट बनेगा जो भी बूस्ट वोल्टेज बनना है प्लस 15 वोल्टेज से 35 वोल्टेज जो बनेगा वो यहां से एक रेटिफिकेट मतलब स्विचिंग के लिए डायोड होगा और यहां पे जनरल डायोड लगा है, और उसके बाद एक 50 वोल्टेज का कैपेसिटर होगा जो कि इस लाइन के साथ होगा, क्योंकि इस लाइन पे इतने वोल्टेज बनने हैं और इतने वोल्टेज को झेलने के लिए कैपेसिटर होगा, और ये लाइन जाएगी सीधा डिस्प्ले कनेक्टर पे और जिसका नाम होगा LED एनोड A, और इसको हम कहते हैं बैक लाइट BL, ठीक है। तो ये पूरा नाम है, LCM बहुत कुछ डाल सकते हैं। तो ये और फिर क्या होता है ना, फिर और भी चीजें होती है, जैसे वो क्या करते हैं बीच में एक ब्लैक कॉइल लगा देते हैं। कौन सी कॉइल लगा देते हैं? ब्लैक कॉइल भाई, ब्लैक कॉइल। हेलो यस सर, लोगों को ब्लैक कॉइलों के बारे में पता नहीं होगा, समझ में आ रहा है मेरी बात? यूपी के दिल्ली के इंस्टीट्यूट के अंदर ब्लैक कॉइलों का कोई सीन नहीं है, सभी एक ही है, नॉर्मल कॉइल और सभी का L। हेलो, उनको ये भी नहीं पता होगा कि ये किसको बोलते हैं, समझ में आ रहा है मेरी बात? क्योंकि वो अभी भी लूना वाली लूप लाइन में घुसे हैं 2016-17। डन, अब आप देखो हमने पूरी IC डन की, अब इतना सब कुछ है और हमारे पास फिर क्या बचा, अब हमारे पास बचा है 6 लैग। तो अब हम यहां पर 6 लैग डालेंगे। अब ये 6 लैग आपके पास कितने सारे नोट्स हैं? ऑडियो नोट्स हैं? यस सर। वीडियो नोट्स हैं? यस सर। कोई दिल्ली वाला देता वीडियो नोट्स? नहीं सर। भोपाल वाले के तो वीडियो नंबर तक नहीं है मोबाइल में, स्टूडेंट रो रहे हैं अपने। अभी हम हमें अगर करना होता ना तो हमने कितनी हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूट वाले बच्चे पढ़ाए, हम तो खड़े होकर वीडियो बनाते। 1 2 3 4 5 6 एंड दिस इज योर मिडिल वन विच इज ग्राउंड। अब इसका काउंटिंग एंटी क्लॉक वाइज करेंगे, 2 3 4 5 6। अब अगर हम इसका सर्किट भी निकालें तो हम बाद में कभी पढ़ेंगे, मैं डायरेक्ट बनाना चाहूँगा। तो इसके अंदर तीसरा होता है ग्राउंड, दूसरा होता है NC, पहला होता है फीडबैक, चौथा होता है स्विचिंग, पांचवा होता है CABC एंड दिस इज योर इन। तो कहने का मतलब है अब हमको करना क्या है, सीधी सीधी सी बात है, हमको अगर इस IC को इस IC में जंपर मारना है तो हम इसकी स्विचिंग को D3 को उठाकर इसके 4 नंबर पे जंपर मारेंगे, हम इसके इन को उठाकर इसके 6 नंबर पे जंपर मारेंगे, इसके CABC को उठाकर इसके 5 नंबर पे जंपर मारेंगे, और इसके फीडबैक को बोलो जोड़ेंगे और 1 नंबर पे जंपर मारेंगे, और उसको भी क्या कर देंगे, ग्राउंड। क्यों करेंगे, हम लाइट सेक्शन में सीखेंगे बहुत अच्छे से, नहीं बताते अभी मैंने, ठीक है क्या बोल। अब आगे जाते हैं, अब बचा 3, तो ये तो हमारा कहीं से भी हम क्या कर देंगे, ग्राउंड कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हम अपनी लाइट मॉडिफिकेशन करेंगे जो कि बहुत इजी है, आओ करते हैं पता चल जाएगा। अब तो अभी हमने सर्किट को समझने के लिए स्टूडेंट को
और हमने वो टेक्नीशियन के लिए बनाया है कि ये बताने के लिए कि बॉस इस आईसी से लाइट जल सकता है और अच्छा लाइट जल सकता है, हमको ज़रूरत नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आईसी नहीं है, आईसी तो चाहिए भाई, आईसी नहीं करोगे तो कैसा चलेगा। बट अभी मे भी हो सकता है टेस्टिंग फेल हुई तो फिर मैं अपने जंपर अंपर चेक करूँगा, हो सकता है कि मैं कोई उल्टा सीधा जंपर मार दिया हूँ तो ये भी हो सकता है। सो आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। लाइट जलेगा कि नहीं जलेगा? जलेगा सर। वेट, अभी तो पूरा अंदर का देखना है सिनेरियो कि कहीं ब्लुप ब्लुप तो नहीं कर रहा है, बुक को नहीं कर रहा है, कहीं गर्म तो नहीं हो रहा है। नहीं, फ्लिकरिंग कुछ नहीं हो रहा है, लाइट प्रॉपर तरीके से जल रही है। और अब तक होता तो अब तक कुछ होता? आप लोगों में से कौन कौन ये प्रैक्टिकली करना चाहेगा मुझे? लाइट सेक्शन में हेलो, उसके लिए समय देने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। तो ये प्रॉपर तरीके से लाइट जल रही है, कुछ भी वो नहीं हो रहा है। और अब हमने केवल एक आईसी लगाई है, वो भी 6 लाख की एक आईसी लगाई है। हेलो, यस सर। अब ये आईसी को हम अच्छे से माउंट करके भी लगा सकते हैं। ठीक है, डन, आ जाओ इधर। सो भाई, मैं देवेंद्र अग्रवाल, 28 अक्टूबर बैच। हेलो, यस सर। जोश, नॉलेज, प्रैक्टिकल पूरा है कि नहीं है? यस सर। कोई ऐसा तो नहीं कि खाने की भूख हो या फिर फालतू क्या टाइम पास हो? हेलो, ऐसे टेलीकॉम मतलब पैसा वसूल है कि नहीं है? किस किस को लगता है पैसा वसूल है? अब मुझे बताओ, आज सुबेरे मॉर्निंग में कितने बजे आए हम? 7 बजे क्लास चालू हुई। कहीं देखा है कि 8 बजे की क्लास 7 बजे खोल दे रहे? हेलो, लोगों के यहाँ तो 9 बजे तक ताले नहीं खुलते हैं। स्टूडेंट को बाहर खड़े होते ही देखा है कि सर कब आएंगे, हम तो आ चुके हैं, वेट कर रहे हैं, और सर आएंगे तो पहले एक कप चाय पीते हैं। हेलो, चाय, सर के पकोड़े चलते हैं, चाय चलती है, 2 सिगरेट चलती है, फिर उसके बाद में नॉलेज की बात होती है ना। ये ऐसे गुजरते हैं लोगों के 12 और सो कॉल्ड 14 घंटे। आपके तो नहीं निकलते ना? डिसिप्लिन कितना इंपॉर्टेंट है पढ़ाई में? तो दोनों जगह होना चाहिए, सिर्फ एक जगह है नहीं कि टीचर बोल दे कि तुम आ जाओ 12 बजे और टीचर 1 बजे आ रहा है, तो ये तो गलत होगा ना भाई। एक स्टूडेंट इतना सब सोच के एक दूसरे स्टेट जा रहा है, आज रिपेयरिंग में तो ये हो, आज जितने भी रिपेयरिंग वाले इंस्टीट्यूट है दिल्ली हो या कहीं भी हो, कोई लोकल के स्टूडेंट ना के बराबर होंगे, सारे हिंदुस्तान के ही है ना। yes, एक ये हमारा एक लोकल का बैठा है, बाकी सब हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हैं। सर, मैंने रिजर्वेशन वगैरह सब कुछ कर लिया था, 20 तारीख मैंने टिकट भी कर ली थी, और 20 तारीख के 3-4 दिन पहले सर से मैंने एक वीडियो देखा और उसके बाद मैंने कॉल लगाया। कहाँ के लिए किया? दिल्ली के लिए। चो, चो, चो। टिकट भी बुक हुई थी 20 तारीख की, मैंने टिकट, और सर से सिर्फ 10 मिनट बात हुई और 11 मिनट मैंने टिकट कैंसिल कर दी, 150 रुपए माइनस भी है उसका। अब मुझे बता, अभी रिग्रेट तो नहीं महसूस हो रहा है कि दिल्ली नहीं गया? कुछ भी नहीं सर, जबकि तुम्हारे दिल्ली के 2 स्टूडेंट यहाँ बैठे हुए हैं जो ऑलरेडी आए हैं। तो पछतावा हो रहा है कि वहां जाता था फ्री में बैठ चला था। ठीक है, शायद वो नॉलेज भी नहीं मिल पाता। अभी तक 1 दिन और 1 आधा दिन मान लेते हैं अपन। इस 1.5 दिन का नॉलेज अभी तक आपके एक्सपीरियंस में कैसा रहा है बताओ? आपने फुल टाइम दे रहे हो, आप थ्योरी का नॉलेज और थ्योरी का प्रैक्टिकल का नॉलेज भी अच्छा है। yes, sir. रिजल्ट मिल रहा है। yes, sir. ऐसा तो नहीं कि क्लासेस हो रही है और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, टीचर रिस्पॉन्सिव नहीं है। आपके पास कितने सारे नोट्स हैं? ऑडियो नोट्स हैं? yes, sir. वीडियो नोट्स हैं? yes, sir. कोई दिल्ली वाला देता वीडियो नोट्स? नहीं सर। भोपाल वाले के तो वीडियो नंबर तक नहीं है मोबाइल में, स्टूडेंट रो रहे हैं अपने। अभी हमें अगर करना होता ना तो हमने कितनी हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूट वाले बच्चे पढ़ाए, हम तो खड़े होकर वीडियो बनाते, बट हमें काम दिखाना है अपना, राइट? yes, sir. हम किसी के नाम पर अपना नाम नहीं कमाना चाहते ना भाई। yes, sir. हमारे को नॉलेज है, हमें पता हम क्या दिखा सकते हैं और क्या कर सकते हैं। आज आपने एक मॉडिफिकेशन का वीडियो देखा सेकेंड डे। yes, sir. तो yes, sir.
सीखा नहीं इसे। अब लगा कि ये चीज तो लाइट तो सब बना रहे हैं पर ये तो हमारे लिए मुश्किलों को आसान करने वाली चीज है कि आप एक बड़े बोर्ड में एक दूसरी आईसी लगा के कि कल को हमको तो हम कुछ भी बना सकते हैं। हेलो, इस सर्किट को तो हम कहीं भी यूज कर सकते हैं भाई। एक जम्पर पूरा लेकर पैक करके कि लाइट वहां आ रहा है कि नहीं, तो ये बहुत बड़ा चीज है। हम ऐसे ही ऑडियो मॉडिफिकेशन करेंगे, हम डिस्प्ले मॉडिफिकेशन करेंगे, हम क्या जबरदस्त। मैंने फिर से बोला 35 पैड है तो 35 पैडों को जानना है, उसी को रिपेयरिंग कहते हैं। तो मैं जानना चाहता हूं, अभी तो ठीक है, अब जाके आप प्रैक्टिस करेंगे, आप फिर से सीपीयू रिबॉल करेंगे, जो भी आप करेंगे एमडी सर आपसे करवाएंगे, कल सुबेरे लाइट पावर यहां कौन कौन लगा के बैठे? फिर से बोलो सर, कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल का है। ऐसा तो नहीं कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा सर, मैंने तो अभी कॉन्फिडेंस टीचर का है आपके अंदर। हेलो, और वो ही होना चाहिए, राइट? चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। कह सकते हैं क्या? बोले ऐसा टेलीकॉम मतलब पैसा वसूल, ऐसा टेलीकॉम मतलब। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। आज इनका पहला दिन था, आइए इनकी जबानी पूछते हैं इनको आज क्या नॉलेज मिला ऐसा टेलीकॉम। जी सर। सर मेरा नाम हिमांशु उपाध्याय है, आज हमारा फर्स्ट डे था यहाँ पे रिपेयरिंग कोर्स का। आज सबसे पहले जैसे ही हमने आया तो यहाँ पर टाइम पास तो कुछ होता ही नहीं है, आए तो कंटिन्यू एकदम क्लासेस स्टार्ट हो जाते हैं, ये नहीं कि आए आधे घंटे घूमे फिर ऐसा कुछ नहीं, आए तुरंत सीट पर बैठे काम स्टार्ट। तो कुल एक घंटे के अंदर जैसे हमने 7:30 बजे एंट्री हुई, एक घंटे के अंदर सीपीयू सारे लोगों ने रिवॉल्व कर लिया, सिर्फ एक घंटे में, एक बार नहीं पाँच बार कर लिया। एक बार तुक्का एक बार लगता है, दो बार लगता है, पांच बार तुक्का नहीं लगता है। तो फर्स्ट टाइम ही हमने एक घंटे में 5 बार रिपोलिंग कर लिया। इस तरह के हमने कैपेसिटर कंपोनेंट वगैरह सारी चीजें जाना, एकदम इतने मजे से जाना कि बोरियत महसूस नहीं। अभी 8:00 तकरीबन 15 मिनट हो चुका है, जरा सा भी बोरियत महसूस नहीं हो रही है, वीकनेस महसूस नहीं हो रही है, इम्यूनिटी की कमी महसूस नहीं हो रही है, कुछ भी एकदम अभी भी फ्रेश महसूस हो रहा है। मतलब एक उम्मीद है कि यार अभी और कुछ सीखना है। जरा से भी लोग सोचते हैं कि 12-15 घंटे क्या सिखाते हैं, स्कूल में 4 घंटे बोर जाते हैं, यहाँ पे 14-15 घंटे ही बैठ लोगे तो कोई बोर नहीं होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो ऐसा मत सोचिए कि यहाँ पे कोई फोर्स कर रहा है कि वीडियो बनाओ या हमारा एडवर्टाइजमेंट करो, नहीं, जो है सच है और मैं सही बोल रहा हूँ, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ कि किसी की तारीफ करूँ। यह जो इंस्टीट्यूट ने जो मैंने सीखा अभी तक एक दिन में, सिर्फ मैं सच्चाई बता रहा हूँ। तो एशिया टेलीकॉम इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट रिपेयरिंग कोर्स के लिए, यहाँ आप सबको आना चाहिए, ये मेरा मानना है, ये मेरा पर्सनल एक दिन में जो मैंने सीखा है एक दिन का, ये मेरा मानना है। तो प्लीज आइए आप लोग और आप लोग भी आके देखिए यहाँ पे क्या होता है, कोई झूठ नहीं है, जब तक आएंगे नहीं तो पता तो चलेगा नहीं, स्वाभाविक सी बात है। मेरा नाम मोहम्मद सुल्तान है, मैं यूपी संभल का रहने वाला हूँ और आज का पहला दिन बहुत शानदार गया। और आज जैसे ही सुबह हम आए तो 7:30 बजे से हमारी क्लास स्टार्ट हो गई और 7:30 से अभी तक कंटिन्यू क्लास चल रही है। दोपहर में बस 15-20 मिनट का लंच हुआ था और अभी तक कंटिन्यू क्लास चल रही है और सब हमें रिवॉल्विंग और उसके बारे में, कंपोनेंट के बारे में सारा सब कुछ बताया, पूरे मदरबोर्ड के बारे में। एशिया टेलीकॉम बेस्ट टेलीकॉम, कोई तारीफ करने वाली बात नहीं है। जब इंसान कोई काम करता है और उसके अंदर क्वालिटी होती है तो वो खुद ब खुद बाहर आ जाती है। मैं अपनी तरफ से कुछ ना कहूँगा बल्कि इतना ज़रूर कहूँगा कि एक बार आके ज़रूर देखें, फिर पता चलेगा कि हाँ कैसा किस तरह से काम होता। यहाँ पे कोई काम में ज़्यादा दबाव भी नहीं है, समझाने का तरीका, लेक्चर देने का तरीका भाई इज़ द बेस्ट तरीका पूरे इंडिया का, ना बल्कि मैं मानता हूँ बेस्ट टेलीकॉम। यहाँ से जो भी निकलेगा बंदा वो किसी मैदान में मार नहीं खाएगा, चाहे वो सऊदी में काम करे, चाहे वो साउथ अफ्रीका में, लंदन, पेरिस, कहीं भी जा सकता है, बेझिझक होकर काम कर सकता है, बेधड़क। टोटल नॉलेज उसे कंपोनेंट की, रजिस्टर की और थर्मिस्टर की टोटल नॉलेज, आईसी, ईएमएमसी, पावर, टोटल नॉलेज उसे मिलेगी यहाँ पे। एक महीने के अंदर बहुत कुछ मिलने वाला है, अगर आप चाहते हैं ज्वाइन करना तो आपके लिए बेस्ट ऑफर है। थैंक यू एशिया टेलीकॉम, थैंक यू। मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ, मेरा नाम पप्पू चौहान है, मेरा ज़िला जसपुर है और मैं कई इंस्टीट्यूट से मैं वापस यहाँ आया हूँ क्योंकि मेरा पर्सनल प्रॉब्लम था, इस कारण से मैं जाते जाते कुछ उनके दरवाजे तक भी जाके वापस हुआ हूँ। और ऐसा हुआ कि मैं
कहीं और जा रहा था, उनके यहाँ पैसा भी भेज गया था, वहाँ से भी वापस हो गया। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी सर, तो एशिया टेलीकॉम में ऐसा क्या ट्रस्ट हुआ आपको कि आप सब जगह से छोड़ के किराया लगा के गए थे और फिर वापस आए? सर मैं गए थे आप? सर मैं जाने के लिए तो नागपुर और इधर मुंबई तो दिल्ली तरफ भी गया था। अच्छा, दो जगह तो अलग जगह जा रहा था, तो मेरा पर्सनल प्रॉब्लम कहने का मतलब ये है कि मेरा भैया जो थे वो डेथ कर गए। अच्छा, अच्छा। इसीलिए मेरे को वापस होना पड़ा। अच्छा, जी सर। तो अभी आपको नॉलेज कैसा मिल रहा है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं। सर नॉलेज एक नंबर है, परफेक्ट है। परफेक्ट है, जी सर, जी सर। और जो चीज़ आप चाहते थे, जो चीज़ आपको चाहिए थी जिंदगी में, तो वो चीज़ आपको पहला दिन में मिली कि नहीं मिली? मिली सर, एक नंबर। तो यहाँ से ग्रोथ करके आप ऊपर बढ़ किस लेवल पे जाएंगे आप? सर अभी यहाँ सीख रहे हैं, पूरा जान के ही जाएंगे, अभी तो एक महीना बाकी है, आज ही हम हमारा पूरा ऐसा लग रहा है कि आज यहाँ से मैं ग्रोथ कर सकता हूँ। जी सर, आज ही हमारा इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया है कि हम एक महीने तक क्या कर सकते हैं। स्टूडेंट है, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा, आप कहाँ से और आज आपका पहला दिन था? हाँ सर, मैं नेपाल बाट हूँ। ओके, मेरा नाम है सुनील शर्मा। Okay. मैं पोहराबाड़ा आएगा। ओके, जहाँ वहाँ पर सीखा था, थोड़ी थोड़ी सीखा था। okay. इधर आया ना, okay. तो ऐसा नॉलेज मिला आज तक किसी ने भी नहीं सिखाया। okay. आज EMMC का फर्स्ट क्लास था, तो 7 बजे फर्स्ट क्लास था, 7 बजे आया, तो 9 बजे तक EMMC भी 10 बार 20 बार जितना है ना उतना बार रिवॉल्व कर चुका हूँ। okay. इतना रिवॉल्व कर चुका हूँ कि देव सर ने सिखाया, ऐसा सिखाया कि बढ़िया था। उसके बाद देवरतन सर ने कंपोनेंट्स के बारे में बताया। okay. कंपोनेंट्स के बारे में आज तक मैंने वो ऐसा नहीं सुना था सर। okay. ऐसा सुना, ऐसा 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 टिप्स देते हैं ना, बहुत बढ़िया। okay. तो अभी प्रैक्टिकली नॉलेज आपको कैसा है, मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा। हाँ सर, वहाँ उधर थ्योरी है, 6 घंटे की थ्योरी था। okay. उधर से इधर आए, इधर आके अब 9 बज चुका है। okay. इस समय तक मैं वही थ्योरी का इधर प्रैक्टिकल कर रहा था। okay. तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर सर, फर्स्ट दिन में इतना क्लियर हो गया, तो एक महीना है ना सर, उसमें तो मैं प्रो बन के निकलूंगा। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? सीको निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं। नंबर वन से